नवीन महिमा मंडी में थोक आलू प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके संबंध में आलू प्याज के अढ़ाती शम्स तबरीज ने बताया कि मंडी में लाल आलू 34 रुपए से लेकर 36 रुपए किलो, सफेद आलू 32 रुपए से 34 रुपए किलो तक बिक रहा है। उन्होंने प्याज के दामों को बताते हुए कहा कि प्याज 55 रुपए से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। उन्होंने कहा कि नासिक से दाम बढ़ा हुआ है क्योंकि इस वर्ष बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान हो गया है और पैदावार कम हुई है, जिससे दाम बढ़ गया है। अभी दाम और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलू प्याज के थोक व्यापारी शम्स तबरेज आजाद राजकुमार निगम ने कहा, प्याज बिकी रही 100 रुपए की, शम्स तबरेज राइन। मंडी में आलू और प्याज के रेट क्या चल रहा है? आलू का रेट इस समय मंडी में बिक रहा है 35 रुपये से लगाकर बिक रहा है 38 रुपये किलो तक का। इसमें भी कई क्वालिटी आता है। हाँ, जैसे कि लाल आलू आपका बिक रहा है 34 रुपया, 35 रुपया और 36 रुपये तक लाल आलू बिक रहा है। और एलटी आलू जो है, लंबा वाला जो एलटी आलू होता है, वो बिका हुआ 36 से 37 का। और सफ़ेद आलू बिका हुआ है आपका 32 रुपये से लगा के 34 रुपये किलो तक का। प्याज क्या रेट बिक रहा है? प्याज बिक रही है इस समय, जो पोजीशन जो है कल से टाइट हो गई है पोजीशन, क्योंकि नासिक में ही टाइट बिक रही है प्याज, 65 से लगा के 70 रुपये नासिक में बिक रही है। और यहाँ पर आपके प्याज उसी रेट में यहाँ पर बिक रही है 65 रुपये 60 रुपये किलो प्याज। क्या कारण है कि इतना महंगा पड़ जा रहा है प्याज का कारण और आलू का कारण? बस यही है, पुरानी बातें हैं कि बारिश जो हुई है, बारिश की वजह से फसल खराब हो गया है। सारी चीज़ें जितनी भी साउथ में प्याज थी, नई प्याज थी, सब टोटल वो बर्बाद हो चुकी, नई फसल जो जितने थे सब बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए पुरानी प्याज में तेजी आ गई है। क्या लग रहा है और भी दाम बढ़ेंगे? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, आसार लग रहा है कि कुछ प्याज के दाम और बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। हमारा नाम आज़ाद। इस समय मंडी में आलू प्याज का रेट क्या है? आलू प्याज का रेट का मतलब ये है सर कि आवक जो है आगे से कम है, आवक नया माल अभी निकला नहीं है, नया माल जो है बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। और साउथ में आंध्रा में बाढ़ जो आई है, सारी प्याज खराब हो गई है। आलू इस साल कम हुआ था, इसलिए आलू की बुआई अब शुरू हुई है, अभी नया माल आया नहीं है। नया माल आने के बाद जो पोजीशन होगी घट सकता है रेट, अभी घटने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या चल रहा है? अब आलू इस वक्त बिक रहा है 36, 35, 38, 36 से लेकर 38 तक बिका हुआ, और प्याज बिकी हुई है 50 से लेकर 70 रुपये तक की। दाम बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ने के चांस ही कि नासिक 80 से 84 बिका, पूना 80 रुपये का बिका है। जहाँ से माल आ रहा वहाँ नहीं है, वहाँ स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक में है ही नहीं है, तो बढ़ना लाजमी है। उसमें कोई काट नहीं सकता, मगर मार्केट में उठान भी नहीं है, माल उठान खपत भी नहीं है। महंगाई की वजह से लोग 1 किलो प्याज नहीं ले पा रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, तो इसलिए उठान माल में खरीदार में कमी आई है। राजकुमार निगम। मंडी में क्या रेट बिक रहा है आलू? आलू भैया 35 रुपये से लेकर 36 रुपये 37 रुपये लाल बिक रहा है। अब 32 रुपये से 33 रुपये तक सफ़ेद आलू बिक रहा है। प्याज जो है 55 रुपये से लगा करके 65 रुपये किलो तक बिक रहा है। क्या कारण है कितना महंगा हो गया? देखावल में ही टाइट है, 85-90 रुपये का नासिक की प्याज बिका है। यहाँ तो पहले का लोगों के पास स्टॉक है, इसलिए मज़ा बिक रहा है। नासिक में 80-85-90-100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। अभी भी उम्मीद है कि बढ़ेगा दाम? अब नासिक के ऊपर ही बाजार भाव है, अगर जो नासिक में तेजी आई या बारिश हो गया, फसल नष्ट हो गई, तो तेजी भी आ सकती है।